नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। दो साल बाद फिर से बाबा के श्रद्धालु जल चढ़ाने निकल पड़े हैं। दो साल लॉकडाउन की वजह से बाबा के श्रद्धालुओं ने सावन महीने में जल चढ़ाने नहीं जा पा रहे थे, मगर आज सावन महीना के पहले सोमवार में चिरकुंडा कुमार, डूबी निरसा और कई जगह से श्रद्धालु पैदल जा रहे हैं। बाबा के नगरिया श्रद्धालु के लिए चिरकुंडा नीचे बाजार सेवा समिति की ओर से हर श्रद्धालु के लिए भंडारा की व्यवस्था किया गया है। इस भंडारे के शुरुआत निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने फीता काट कर और दीप जलाकर शुभारंभ किया। उसके बाद हर श्रद्धालु को अपने हाथों से पूरी सब्जी, बूंदियां, भंडारे के प्रसाद वितरण किया। पहले सोमवार में चिरकुंडा, कुमार, डूबी, निरसा से लगभग 5,000 श्रद्धालु डिशेरगढ़ घाट गया। फिर दो साल बाद फिर से बाबा के श्रद्धालु जल चढ़ाने निकल पड़े। दो साल लॉकडाउन की वजह से बाबा के श्रद्धालुओं के सावन महीने में जल चढ़ाने नहीं जा पा रहे थे, मगर आज सावन महीने के पहले सोमवार में चिरकुंडा, कुमार, डूबी, निरसा और कई जगह से श्रद्धालु पैदल जा रहे हैं। बाबा के नगरिया श्रद्धालु के लिए चिरकुंडा नीचे बाजार सेवा समिति की ओर से हर श्रद्धालु के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। इस भंडारे की शुरुआती निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने फीता काटकर और दीप जलाकर शुभारंभ किया। उसके बाद हर श्रद्धालु को अपने हाथों से भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा। चटर्जी ने कहा, चिरकुंडा सेवा समिति हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रद्धालुओं के लिए क्या भंडारा का व्यवस्था किया गया है। खुशी की बात है कि इसी तरह समाज में चिरकुंडा नीचे बाजार सेवा समिति हर सुख दुख में चिरकुंडा की जनता का पास खड़े रहते हैं। चिरकुंडा सेवा समिति को धन्यवाद भी कहा और उन्होंने कहा कि सावन महीने में हर बार इस तरह का भंडारा का व्यवस्था चिरकुंडा सेवा समिति करेगी, ताकि श्रद्धालु प्रसाद लेकर ही जल चढ़ाने जाएंगे। चिरकुंडा नीचे बाजार समिति को हम लोग धन्यवाद है कि ये प्रत्येक वर्ष यहाँ पर यहाँ लगाते हैं। जो भी कवारिया यहाँ से जाते हैं देवघर वगैरह पानी में, उनके भोजन के लिए यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। जैसे आज देख रहे हैं आपको यहाँ पर पूरी सब्जी भुजिया सारे कुछ बने हैं। ऐसे रोज जब तक ये सावन का पानी लेके जाएगा तो यहाँ रेगुलर लोगों का ये सेवा भावना को लेकर किया जाता है। तो तमाम मेम्बरान को धन्यवाद देंगे जो इस तरीके का सेवा यहाँ पर चिरकुंडा में लगातार प्रत्येक बार। थैंक यू।